तो ये उन दिनों की बात है जब मैं अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में आराम से टहल रहा था। मेरे सामने कुछ लाइटें चमकी। मैं अपने डायमंड आर्मर में उस अज्ञात रोशनी का पीछा करने लगा और गाइस, जो मैंने देखा वो देखकर आपका भी दिमाग घूम जाने वाला है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जी हाँ गाइस, आज के इस वीडियो में हम घूमने वाले हैं ये एक बिल्कुल नया सुनहरा कासल। तो चलो यार गाइस, फटाफट से कासल में चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस कासल को। यहाँ पे एक शिप रेक भी है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस शिप रेक को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा। चलते हैं कासल के अंदर और देखते हैं भाई कासल के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। वैसे बाहर से देखने में तो कासल बहुत ज्यादा ओपी लग रहा है, मेरे ख्याल से अंदर भी उतना ज्यादा ही एपिक होने वाला है ये कासल। ओके गाइस, तो फिलहाल हम लोग पहुंच गए हमारे कैसल के पास और ये है इस कासल की मेन एंट्री और यहाँ से राजा जी अपने महल में घुसेंगे। टेन 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 चुप कर बे कुत्ते। ओके गाइस, तो ये है हमारे कैसल की पहली बिल्डिंग और सबसे पहले तो मैं यहाँ आसपास देख लेता हूँ, यहाँ पे तो कुछ नहीं है भाई। तो चलो यार इन सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि ऊपर क्या है। ओके गाइस, तो हमारे इस वाले फ्लोर पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे तो एक रास्ता है भाई। भाई मैं कितना ज्यादा नूब हूँ। आई एम नूब। तो यहाँ पे गाइस हम इस कैसल के छत पे आ गए और आई थिंक ये जो बंदा मेरे पीछे खड़ा है ये इस कैसल का पहरेदार है जो इस छत की रखवाली कर रहा है। वैसे तो क्या ही रखवाली कर रहा है भाई, मैं तो आराम से घुस गया। One hour later. Okay guys, तो अब हम इसके ऊपर वाले फ्लोर पे जाने वाले हैं और उसको भी एक्सप्लोर करने वाले हैं कि देखते हैं भाई ऊपर में क्या क्या है। और भाई मैं अभी किले की सबसे ऊंची दीवार पे खड़ा हूँ। नहीं, किले की सबसे ऊंची दीवार तो सामने है भाई, मैं बार बार इस तरह की मिस्टेक्स क्यों करता हूँ। कोई बात नहीं, कोई हेल, आई एम सो नूब। पहरेदार भैया बताइए हम इतना नूब कहाँ हैं, आप बताइए हमको। स्टैचू बन के आप लोग खड़े हैं, बताइए बताइए हमको हम इतना नूब कहाँ हैं। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। ओके गाइस, तो हम वहां से नीचे उतर आए हैं और ये सामने ये लोग खेती कर रहे हैं। आई थिंक ये फार्मर है जो फार्मिंग कर रहा है, वैसे तो है जिंदा लाश ही। और अब हम इस तरफ चल के देखते हैं कि क्या है। और आई थिंक ये वेपनरी सेक्शन है और यहाँ पे ये लोग वेपन बना रहे हैं। ओ भाई लड़ेगा मुझसे, आजा आजा भिड़ ले, आजा देख ले डायमंड का सॉर्ड है मेरे पास। और आई थिंक यहाँ पे ये लोग बॉम्ब बना रहे हैं। भाई वर्ल्ड वार पूरी दुनिया में चालू है। राजा रानी का महल जहाँ पर राजा रानी लोग रहते हैं और हम तो किसी राजा से कम नहीं है। तो चलो पहले फिलहाल उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। राजा धीराज योगी राज प्रजापति अपने महल में पधार रहे हैं। सेनापति, हमारी महारानी कहाँ है? क्या मतलब आपको ज्ञात नहीं है? हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। चुप कर बे कुत्ते। ओके, तो आई थिंक ये पेंटिंग वाला सेक्शन है। और व्हाट द हैक भाई, किस देश का राजा ऐसा होता है? भाई ऐसा राजा अगर मेरे देश का हो ना भाई तो मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरूंगा। ओके, और इधर क्या है? ओके, तो इधर है बावर्ची खाना। भाई मेरे को वड़ा पाव दे दो, भाई मेरे को भूख लगी है, वड़ा पाव दे दो भाई, प्लीज़ वड़ा पाव दे दो। नहीं देंगे भाई, इधर भी अपनी कोई इज्जत नहीं है। वाले कमरे में क्या है? आई थिंक ऊपर राजा रानी का कमरा होगा, यानी कि हमारा कमरा होगा। भाई मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ भाई, why the hell I am so noob? कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं, जिंदगी में ऐसा होते रहता है। और ये है राजा रानी का कमरा, यहाँ पे किताबें वगैरह रखी हुई हैं, यहाँ पे चेस्ट हैं और यहाँ पे है हमारा आलीशान बिस्तर, यहाँ पे हम सोते हैं। भाई बिस्तर पे नहाता कौन है भाई, बिस्तर पे सब कोई तो सोता ही है। क्या हो गया मेरे जोक्स को? Anyway guys, I hope you enjoyed the video. If you enjoyed the video, hit that subscribe button and like to our channel. हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। Till then, take care. Bye bye.